नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ज्ञान प्रकाश आनंद और मैं विकास। मैं अपने चैनल में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग अपनी आंखों को कैसे हेल्दी रखें और अगर आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है तो उस चश्मे का नंबर आप कैसे हटाएं या कैसे कम करें। उसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ और कुछ ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको डेली रूटीन में करनी होंगी, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट्स करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, इस से रिलेटेड कुछ जैसे बोलते हैं कि मैं आपको वीडियोस का रेफरेंस अपने आई बटन में दे दूंगा, सो दैट क्या है कि आपको अगर कोई वीडियो देखनी है मेरी वीडियोज़ के अंदर तो वो आप आई बटन में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैनल, और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोगों की सुबह उठ के सबसे पहले की एक बहुत बुरी आदत होती है, वो होती है कि बैटरी। तो हम लोग क्या है कि बैटरी लेना बंद कर दें, बैटरी की जगह पे आप लोग क्या है कि एक गिलास जूस लेना शुरू करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, सुबह उठ के हम लोग को एक नेक वाली एक्सरसाइज करनी है अपनी, नीचे डाउन करना है पहले, फिर धीरे 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 अप, फिर स्ट्रेट लेके आना है, फिर साइड में, फिर स्ट्रेट और फिर इधर, दो बार ऐसे करना है और फिर पांच बार ऐसे करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है बहुत स्लोली। मेरी इससे पहले वाली वीडियो है, वो लिंक भी मैं दे दूँगा। यहाँ पीछे बैक में रोकना है, फिर यहाँ पे रोकना है, तो 5 times क्लॉकवाइज और 5 times आपको एंटी क्लॉकवाइज वो घुमानी है, जहाँ जहाँ और जितनी स्पीड से मैंने बताया हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो मेरा वो है। थर्ड को करना है कि नहाते समय मुंह के अंदर पानी भर लीजिए और आपको अपने फेस की मसाज करनी है, उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आपको नहाते समय फेस के ऊपर साबुन लगाना है और उसकी जो है कम से कम 2-4-5 minutes तक जो है वो मसाज करनी है। ठीक है, तो तीसरा स्टेज हो गया ये। फोर्थ में अपने फेस को आपको मिरर में देखना है, मिरर में देखने के बाद में सामने अपना देखते रहिएगा उसको और अपनी आईज गर्दन को नीचे करना है, ऐसे आपकी आँखों को आपको अपनी आईज मिरर के अंदर देखनी है, नीचे डाउन अप मैक्सिमम इधर और इधर। ठीक है, और उसको ऑब्लिक में लेके आना है, ये ऐसे अपनी आँखों को देखते हुए और दूसरी वाला उस तरीके से ऑब्लिक में लेके आना है। ठीक है, ये फोर्थ। अच्छा, उसके बाद अगर क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट अगर लेना है तो ब्रेकफास्ट के अंदर आपको जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स आप जो है उसमें के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आपका जूस तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले जो है। उसके बाद ब्रेड, मतलब जैसे बोलते हैं आपको कि मैदे की बनी हुई ब्रेड नहीं, चपाती को हम लोग बोल रहे हैं अपने जो है, चपाती आप जो है 2 chapatis है। सब्जी के अंदर आप सब्जी का सेवन ज़्यादा कीजिए और रोटी का सेवन थोड़ा सा कम कीजिए, उसके अंदर सलाद की मात्रा ज़्यादा लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो फुल न्यूट्रिएंट्स जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जो है अपनी खाने के अंदर जो है विटामिन सी, फ्रूट्स का भी सेवन कीजिए। तो नाश्ते में एक हल्का सा नाश्ता आप जो है इस तरीके से आप ले सकते हैं जिसमें कि चपाती की मात्रा 1 या 2, उसमें आपका सलाद की मात्रा ज़्यादा है, छाछ दही की मात्रा अपना उसके अंदर होनी चाहिए आपकी जो है, फ्रूट्स की मात्रा होनी चाहिए, फ्रूट जूस आप ऐड कर सकते हैं, साथ में आप मिल्क भी ले सकते हैं अपना। सुबह जैसे मैंने बोला ना आपको, आप जैसे जूस की जगह पे मिल्क भी ले सकते हैं अपना जो है। ठीक है, तो ये आपका नाश्ता हो गया। इसके बाद में डिनर के अंदर भी आप जो है काफ़ी लाइट अपना लीजिए और कोशिश कीजिए कि सब्जी और सलाद का सेवन ज़्यादा करें और रोटी का सेवन कम करें। ठीक है, इसके बाद आता है दोपहर में, मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई हुई है जिसमें आपको अपनी आईज़ को बंद करना है और डार्कनेस को फील करना है। शाम को डिनर में वही लाइट फूड है आपका, दूध ले सकते हैं आप जो है, और आप चपाती कम है अपना जो है, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको जो है फ्रूट्स, ठीक है, सलाद, छाछ, दही, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ आइटम आप जो है ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन आप नहीं करेंगे, और जहाँ पे आपको चश्मे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क अगर आपको करना है उस समय आप चश्मा लगाइए, अगर आप घर में हैं तो आपको चश्मा लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो उस रीडिंग डिस्टेंस को आप मेंटेन करके कि जहां आप इजीली उस चीज़ को पढ़ लें उस डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज बताई है, दैट इज़ एडवांस्ड आई एक्सरसाइज नंबर 6, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको रीड कीजिए विदाउट स्पेक्टिकल के। आपको टीवी देखनी है चश्मा उतार के देखिए, ठीक है। बस आपकी आईज़ को, दोनों आईज़ को ब्लिंक करके खोलना है उसको, ठीक है। और इस तरीके से विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आपका जो ब्लिंक रेट है उसको आप काफ़ी इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 10 सेकंड के अंदर आप जो है उसको 2 या 3 या 4 बार अपना जो है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप उसको जो है ब्लिंक कीजिए और आराम से उसको जो है। अच्छा, आप यकीन करेंगे जब आपको बिना चश्मे के आप ब्लिंक करने के बाद में जब ओपन करेंगे आपकी आई जब रिलैक्स होगी और फिर जब देखेगी उस चीज़ को तो वहाँ पे आपको वो काफ़ी हद तक जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हैं वो क्लियर होगा। तो आपको घर में रीडिंग करते समय और टीवी देखते समय और मोस्टली आपको जो है वो चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने वीडियो और बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि आपको अपनी आइज़ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना है। हम लोग क्या है कि सिर्फ 2 डायरेक्शन में देखते हैं, एक तो हम लोग फ्रंट में देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं सिर्फ रीडिंग करते समय अपना जो है नीचे की तरफ देखते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि ये 2 डायरेक्शन के बाद में और अदर डायरेक्शन में भी अपनी आईज़ का मूवमेंट जारी रखना है। तो उसके लिए हमें क्या है, मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है उसका भी लिंक मैं उसमें दे दूँगा कि आप अपनी आईज़ को ऐसे घुमा के और इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, धीरे धीरे उसको रिवर्ट लेके आना है, फिर इधर वाली में और फिर ऊपर नीचे ऑब्लिक अपना हर डायरेक्शन में। ये वाली एक्सरसाइज है मुश्किल से 2-3 मिनट की होगी अपना जो है, तो ये कर लीजिए। दूध दही ड्राई फ्रूट सहित जिसमें कि ट्रिप्टोफैन की अधिकता होती है वो वाला आप खाना खाइए अपना जो है, जिससे कि आप लोग आपका जो पूरा दिन है वो हैप्पी और हेल्दी रहेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। जिससे हम बताते हैं कि सोते समय हमारी आईज़ में आपका मेलाटोनिन पिगमेंट रिलीज होता है, तो मेलाटोनिन पिगमेंट और ये ट्रिप्टोफैन इसको बनने में हेल्प करता है, जिससे हमें रात में अच्छी नींद आएगी और हमारी आईज़ को रिलैक्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और शाम को सोते समय एक बार नेक वाली एक्सरसाइज और कर लीजिएगा, ठीक है, उससे भी आपको नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो ये आप मेरी अगर इस तरीके से जो डेली की अगर आप हैबिट अगर अपनी लाइफ में अगर डालते हैं अपना जो है, तो इससे आपकी आईज़ आपकी बॉडी की हेल्थ भी आपकी जो अच्छी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उनका जवाब दे दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।